मॉर्निंग दोस्तों, और मेरे दोस्तों ने मुझे पिक कर लिया है घर से। और अभी अर्ली मॉर्निंग हम निकल रहे हैं तो ब्रेकफास्ट करके कोई नहीं आया, तो मैं इनके लिए घर से आलू के पराठे और साथ में बटर बनवा के लाया हूँ। देख लिए, एक ने तो खाना भी चालू कर दिया है। और ये ब्रेकफास्ट करके रिचार्ज हो गए हैं लड़के, डब्बा फेंक देना क्या? नहीं बढ़िया था भाई ब्रेकफास्ट मजा। और अभी हम पेट्रोल डलवा के, लुई बाबा ने 1800 का पेट्रोल डलवाया, और अभी हम निकल रहे हैं। हमें खुद ही नहीं पता हम कहाँ निकल रहे हैं, हमेशा की तरह। ये भी हमारी अनप्लान ट्रिप है। हमारे द्वार पहुंच गए हैं और आप देखेंगे सामने तो आपको मनसा देवी और हर की पौड़ी का एक साथ नज़ारा दिखेगा। सामने जो मंदिर है वो मनसा देवी है और इसके जस्ट अपोजिट जो है वो चंडी देवी है। और ये हम पहुंचे हैं ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से आपको बहुत ही जल्दी कर्णप्रयाग के लिए एक रेलवे रूट बन रहा है, जो शायद 3-4 साल बाद जब भी कंप्लीट होता है उसके बाद वो चालू हो जाए। और वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये रूट है दोस्तों, ये ऋषिकेश का बाईपास है। ऋषिकेश से पहले एक लेफ्ट को रूट कट जाता है, जिससे आप जो मेन जो क्राउड होता है ऋषिकेश का उससे बच जाते हैं, और आपका कम से कम आपका 10 से 15 मिनट बच जाता है। पनीर की रेती वाला चौक, यहाँ पर देखिए जो बाईपास मैंने आपको रास्ता बताया निकलेगा, और जो आ रहा है रास्ता है ये दूसरा ट्रैफिक वाला, ये रूट ये है जो मेन सिटी से होके निकलता है। यहीं पे आपको इसी रूट पे आपको बस स्टैंड वगैरह मिलता है। अभी जो ये एरिया है ये है तपोवन का एरिया। यहाँ पर आपको राफ्टिंग अगर जाना हो, राफ्टिंग के लिए कभी जाना हो, कैंपिंग के लिए जाना हो, तो आपको मैक्सिमम जो मिलेंगे बुकिंग स्टेशन वो यहीं पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको आप किसी भी शॉप में जाएंगे और आप राफ्टिंग के लिए बोलेंगे तो वो उनके पास कोई ना कोई होगा जो राफ्टिंग के लिए बुकिंग और कैंपिंग के लिए नाइट में कैंपिंग और मॉर्निंग में राफ्टिंग करवाते हैं। ओकेजनली वैसे इनका जो रहता है वो 1500 रुपीज चार्जेज रहता है, जिसमें आपका नाइट में इवनिंग स्नैक्स होता है, डिनर होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद ये आपको ले जाते हैं और शिवपुरी से राफ्टिंग करवाते हैं, कई लोग ब्रह्मपुर से राफ्टिंग करवाते हैं। ये तपोवन का एरिया बहुत ही यहाँ पर क्राउडेड एरिया है, मैक्सिमम यहीं पर आपको जो होगा सस्ती बुकिंग मिलेगी तो यहीं मिलेगी। ये देखिए ऐसे आपको टैक्सी के ऊपर आपकी जो यहाँ पर चलती है ये महिंद्रा मैक्स करके गाड़ी है। आप तो ऐसे बैठा कर ये ले जाएंगे गाड़ी में, और जहाँ से भी आप करना चाहते हैं राफ्टिंग, चाहे वो ब्रह्मपुरी हो चाहे वो शिवपुरी हो। ये देखिए तैयार हो रही है इनकी, देखो राफ्टिंग के लिए ऐसे ही अपना चढ़ाएंगे उसको गाड़ी के ऊपर। आपको देखने में लग रही होगी हल्की है, पर इतनी भारी होती है रात, इसको उठाने में कम से कम 4 से 5 लोग चाहिए, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये 2 लोग ही रात उठा देते हैं।
दोस्तों ये है शिवपुरी, नीचे जो रास्ता जा रहा है ये शिवपुरी के लिए जा रहा है, यहाँ से राफ्टिंग होती है, ये जो रूट जा रहा है नीचे। पहले तो यहाँ पर रिवर साइड राफ्टिंग अलाउड थी, पर अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए हैं और बोला है कि जो कैंप रुका हुआ आपका 500 मीटर्स के दूरी होगा रिवर साइड से, इसीलिए अब जंगल कैंपिंग यहाँ ज़्यादा होती है रिवर साइड कैंपिंग के बजाय। ये देखिए आपको यहाँ पर राफ्टिंग ही राफ्टिंग दिखाई देगी हर जगह। दोस्तों ये है तीन धारा, अभी हम रुके हैं दोस्तों तीन धारा चाय पीने के लिए। हमारे जो ड्राइवर है वो थक गए हैं, वो कह रहे बिना चाय पिए मैं आगे गाड़ी नहीं चलाऊंगा। चाय के साथ क्या मंगाया भाई? और फैन मंगा दो, फैन मैगी मंगा दो भाई। सामने जो दोस्तों आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, वो एक कॉलेज बन रहा है उत्तराखंड में, देवप्रयाग में संस्कृत महाविद्यालय बन रहा है, यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी होगी ये संस्कृत की। और सामने ये आपको दिखेगा देवप्रयाग। दोस्तों पहुंचे हैं देवप्रयाग, आप देखिए यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी संगम होता है, दोनों नदियों का कलर आपको दिखेगा, एक नदी का थोड़ा डार्क ग्रीन होता है, एक का लाइट ग्रीन, बहुत खूबसूरत भी होता है। और उसके साथ साथ बसा हुआ है ये देवप्रयाग शहर, यहाँ से दो रूट निकलते हैं, एक रूट निकलता है पौड़ी, जिस रूट से हम निकलेंगे आपके सामने दिखेगा वो पौड़ी वाला रूट, दूसरा जो रूट निकलेगा वो निकलता है हमारा जोशीमठ होके जो निकलता है आगे केदारनाथ बद्रीनाथ, वो सामने वाला जो रूट है उसके आगे आएगा रुद्रप्रयाग और उसके आगे से फिर अपना कर्णप्रयाग जोशीमठ और केदारनाथ बद्रीनाथ का रूट। अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद निकलेंगे पौड़ी के लिए, तो हम आपको मिलेंगे पौड़ी। देवप्रयाग में दोस्तों हमारा एक फ्रेंड रहता है अमित रावत, वो शायद अभी यहीं पर है, तो आगे शायद वो कहीं रुका है उससे मिलने के लिए, वो आगे वेट कर रहा है हमारा, उससे मिलके फिर हम आगे निकलेंगे पौड़ी। दोस्तों ये है अमित रावत, अभी हम पौड़ी निकल लेते हैं इसी रूट से, तो सोचा दोस्त से मिलते हुए चलते हैं, इनसे मिलने के बाद अब हम निकलेंगे सीधा। दोस्तों जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वाला है, उसमें आप देखेंगे वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसमें लगभग 12 तो उसमें स्टेशंस होंगे, लगभग उसमें 17 तो टनल्स होंगी और लगभग उसमें 35 पुल बनेंगे। सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें अगर ये बनेगा तो ये आपका जो ये आपकी टॉय ट्रेन चलती है दार्जिलिंग और मनाली में, ये उस टाइप का यहाँ पर आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। और आप अगर सामने देखेंगे अभी तो आप स्टेशन है, यह है देवप्रयाग का रेलवे स्टेशन जिसका काम चल रहा है। सामने देखिए दोस्तों आपको एक टनल दिख रही होगी, ऐसी ही टनल आपको जगह जगह यहाँ पर, जब भी आप ऋषिकेश से ऊपर आएंगे कर्णप्रयाग की तरफ, तो आपको जगह जगह बनते हुआ दिखाई देगा। ये
दोस्तों ये सामने जो आपको चोटी पर जो एक कैंपस टाइप दिख रहा है, यह है इंजीनियरिंग का कॉलेज जो बॉडी में है, घुड़दौड़ी, ये वो कॉलेज है। दोस्तों यह है पौड़ी। पहले हमने सोचा था कि पौड़ी में ब्रेकफास्ट या लंच करेंगे, पर हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो अब हम सीधा पौड़ी को स्किप करके सीधा निकलेंगे खिरसू। दोस्तों अभी मैं तोड़ने जा रहा हूँ बुरांस का फूल। बुरांस जो स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का, ये आपको जो भी हाई टेरेन के जो एरियाज हैं वहाँ पर आपको दिखेगा, और अप्रैल मई के महीने में ये खिलता है और इससे जूस भी बनता है जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। बुरांस के फूल का जूस भी मिलता है मार्केट में, बहुत ही खूबसूरत होता है। उत्तराखंड में जितने भी हाई टेरेन के एरियाज हैं लगभग 15 किलोमीटर है। मौसम बहुत ही अच्छा और ठंडा है इस टाइम पर। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का जो हमारा पौड़ी का प्लान था वो हमने थोड़ा स्किप करके, हमने सोचा अभी 12 बजे आए तो लगभग 2 बजे करीब लंच करेंगे, तो इसलिए हम खिरसू में ही अब लंच करेंगे। दोस्तों आप में से कई लोगों ने शायद खिरसू का नाम भी नहीं सुना होगा कि खिरसू कौन सी जगह है उत्तराखंड में। खिरसू एक्चुअली एक हिडन हिल स्टेशन समझ लीजिए, जो लगभग पौड़ी से 20 किलोमीटर ऊपर है और लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर आपको जिन लोगों को क्राउड पसंद है और खाना पसंद है, घूमना पसंद है, उन लोगों के लिए शायद उन लोगों को ये जगह अच्छी ना लगे, पर जिन लोगों को नेचुरल ब्यूटी देखनी है, सीनिक व्यू चाहिए, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको चिड़ियों की चहचहाट और सूरज की खिलती किरणें आपको पहाड़ों की चोटी में दिखाई देंगी। साथ साथ जब मौसम खुला होता है तो यहाँ से पूरी हिमालय की रेंज दिखती है, सारी जितनी चोटियाँ हैं वो सब दिखाई देती हैं यहाँ से। बहुत ही छोटा सा गांव है, और आपको अगर मन की शांति चाहिए आप और आप तो आप एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ये जो आप देख रहे हैं यही हैं वो जो मैं आपको बता रहा था बुरांस के फूल। इनके देखे जो ये फूल होता है, फूलों को अलग कर लिया जाता है और इसको फिर उबाल कर बॉयल कर इसका जो सिरप होता है वो अलग कर लिया जाता है, और उसको फिर चीनी की चाशनी में मिलाकर उसका एक जूस बन जाता है, जो आप पानी में जैसे रसना बनाते हैं वैसे ही मिला के गर्मियों में पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। गेस्ट हाउस
बहुत बेहतरीन जगह ये, ठंडा यहाँ पर मौसम हो रखा है। दोस्तों फाइनली किरसु में हम आके लंच मंगवाया हमने, इन वेज थाली। हमारे लुई बाबा बताएंगे ट्राई करके कि खाना कैसा बना है। देखिए जैसे आपको लुई बाबा ने बता दिया घर का स्वाद आ रहा है, अर्जुन बाबा बताएंगे। दोस्तों देखिए शाम को यहाँ पर एक राउंड है फुटबॉल का, ऊंची पहाड़ी पर। देखिए कितना प्लेन और कितना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी हम निकले हैं इवनिंग वॉक पे, मौसम बहुत ठंडा है। ये देखिए ये हीरो आया था टी शर्ट पहन के, नहीं हीरो बनेंगे हम। अरे आप देखो पुल ओवर पहन के घूम रहा है, दूसरे ऐसे देखिए ये आप टी शर्ट में घूम रहा है। यहाँ ये ढूंढ रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ हो रहा है बहुत कम। दोस्तों खिड़सू से थोड़ा पहले एक गांव पड़ता है चौबट्टा, और उससे भी थोड़ा आगे अगर आप पौड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ शॉप्स मिलेंगे, जहां पर यहां का जो लोकल यहां पर एक फूल होता है, देखोगे आप ये फूल जो आपको दिख रहा है सामने, ये है बुरांस का फूल। इसके पत्तों को तोड़कर उबाल कर उनका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसमें चीनी की चाशनी मिलाई जाती है और फिर जूस बनाया जाता है, जो यहाँ की बहुत स्पेशल जूसेस में है और प्लेन्स में बहुत ज़्यादा बिकता है। इस मार्केट में आपको देखोगे तो केवल वही वही दिखाई देगा और ये बहुत फ्रेश होता है। और इसको 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। आंवले का भी होता है, माल्टा होता है जो, उसके बाद नींबू होता है और बुरांस तो है ही जो यहाँ का स्पेशल है। अभी हम बीच में रुके हैं, यहाँ पर एक अंकल जी हैं उनकी दुकान में, फैमिली फूड्स नाम से है, और उनके यहाँ पर देखो ये हमारा जो साथ में फ्रेंड है अर्जुन, ये घर के लिए जूस ले रहा है। हम सब ने ले लिए हैं जूस, ये जो हम लोगों ने जूस लिया है एक आंवले का लिया हुआ है, बीच में माल्टे का है, एक बुरांस का है, तो दूसरा भी बुरांस का ही है। तो आप अगर इस तरफ आते हैं खिड़सू की तरफ तो यहाँ से ये फ्रेश जूस जरूर लेकर जाएं और एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रिजर्वेटिव के साथ भी रहता है, प्रिजर्वेटिव के बिना भी रहता है, अगर आप जैसा चाहो वैसा आप जूस यहाँ से लेके जा सकते हैं। अभी वो फ्रेंड ट्राई कर रहा है नींबू का स्क्वायर एकदम, किसका है लेमन, अभी लेमन का ट्राई कर रहे हैं। ले लो छोटा वाला, दे दो अंकल छोटा वाला, दे दूंगे। दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, 7 बज रहा है अभी और हम निकल रहे हैं वापस
श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश, बीच में देखते हैं कहीं पर हॉल्ट करके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बाकी जो आगे अगर हमारा दिन बचा तो राफ्टिंग करेंगे, नहीं हुआ तो हम हरिद्वार में थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के वापस निकलेंगे घर। मिलता हूँ आपको श्रीनगर में। कितनी बकरियां आपके पास? 300। रात को गिनते भी हो फिर? और कुत्ते कितने हैं? ये देखो दोस्तों, ये चरवाहे हैं भैया, इनके पास 300 बकरियां कम से कम हैं। इनको अभी ये चराने के लिए आए हैं जंगल में। आप ये बकरा देखिए, देखो कुछ यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ये रेस्ट कर रही है। देखो ये रुकी भी क्यों है भैया, रुकी भी क्यों है? अभी आराम कर रहे हैं। अच्छा 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 ये देखिए, अभी हम पहुंचे हैं श्रीनगर से 11 किलोमीटर पहले। आप देखेंगे ये माइलस्टोन लगा है और यहाँ से आप देखिए पूरा श्रीनगर कैसा दिख रहा है, पूरा व्यू आपको यहाँ से श्रीनगर का मिलेगा। सामने जो ग्राउंड दिख रहा है वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उसका कैंपस का ग्राउंड है। पीछे अगर आप देखेंगे तो जो डैम है उसका भी व्यू आपको मिलेगा। पूरा यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू है, आप देखेंगे तो आपको दोस्तों। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, सुख शांति फैमिली रेस्टोरेंट है। दोस्तों ने अंदर ऑर्डर कर दिया है खाने में, देखते हैं उन लोगों ने क्या मंगाया है। इन्होंने मंगाई है पूरी भाजी, हरी भाजी जिंदावत, हमारे बुके कल हम लोगों को बहुत ही गंदा डिनर मिला है। दोस्तों हम रुड़की पहुंच गए हैं, ये देखो रुड़की की मार्केट है सिविल लाइन, तो यहाँ पर मेन मार्केट यही है।
आप राइट साइड पे देखेंगे ये एरिया है, इसको यहाँ चौपाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी फास्ट फूड वेंडर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे और इवनिंग में यहाँ पर बहुत रश रहता है। दोस्तों फाइनली ट्रिप ओवर हो गई हमारी, हम गुड़गी पहुँच गए और ट्रिप बहुत अच्छी थी। इसका मैं आपको जब ब्लॉग बनाऊंगा तब उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा। बाकी मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आज यूट्यूब चैनल।